आज की वीडियो बहुत ही यूनिक होने वाली है, बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ बची हुई चीज़ें और साथ में कुछ ऐसी चीज़ें जिसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनका यूज़ करना। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरी टिप है लेफ़्ट ओवर राइस की। लेफ़्ट ओवर राइस से आप इतनी यूनिक सी रेसिपी बना पाएंगे कि सभी खुश होकर खाएंगे। तो देखिए, ये मैंने लिए हैं 1 कप लेफ़्ट ओवर राइस। तो अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर राइस नहीं है तो फ्रेश राइस भी ले सकते हो। लेफ़्ट ओवर राइस जो होते हैं, अगर आपके पास एक टाइम पुराने हो, जैसे सुबह के हैं शाम को बना लेना, शाम के तो सुबह ज़्यादा पुराने राइस लोगे ना तो वो सूख से जाते हैं, फिर मुश्किल आएगी बनाने में। तो ये देखिए, मैंने एक ले लिया है, चकले के ऊपर रख लिया है बटर पेपर। बटर पेपर ना हो तो फॉइल भी ले सकते हो या कोई मोटी सी पॉलीथीन भी ले सकते हो। तो अब हमने क्या करना है, इस लेफ़्ट ओवर राइस से एक पेड़ा सा बनाना है। दबा दबा कर एक पेड़ा सा बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हाथ से दबा कर मैंने एक पेड़ा बना लिया है। इसको इस पर रख कर अब हाथ से हम प्रेशर देकर इसको दबा दबा कर हम इसकी चपाती जैसे बनाएंगे, रोटी की तरह बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। अगर इसको बनाने में दिक्कत आए, लगे कि शेप ही नहीं आ रही है, सूखे से हैं, तो आपने पानी का हाथ इस पर लगाना है, यानी हाथ के ऊपर थोड़ा पानी लगाकर इसको फिर दबाना है साइड से। इस तरह से आप इसको शेप देते जाना, तो आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह की रोटी सी बन गई है ना। अभी इसको एक साइड में रख देते हैं। अब लेंगे एक बाउल। अब इसमें डालेंगे हम बेसन। आधा कप मैंने बेसन लिया है। नाश्ते को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें चावल का आटा भी जाएगा, तो 1 टेबल स्पून मैं इसमें चावल का आटा मिला रही हूँ। तो मसाले इसमें कोई नहीं जाने हैं, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक जाएगा। तो हल्दी डालनी है कलर के लिए, और नमक जितना बेसन है ना उसी हिसाब से नमक मिलाना है। मिक्स करना है सारी चीज़ों को और इसका बैटर तैयार करना है। तो इसका बैटर जो है हमें पतला सा बनाना है। ये देखिए, मैं इसमें पानी डालती जा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा करके इस पर पानी डालना है। तो इसका बैटर हमें काफ़ी पतला रखना है, जैसे हम डोसा वगैरह बनाते हैं पतला सा बैटर बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही पानी के जैसा पतला ये मैंने बैटर बनाया है, ऐसा ही आपने बैटर बनाना है। अब ये मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर थोड़ा सा बस ऑयल जाएगा, 1 छोटी चम्मच ही डाला है। ऑयल को सारे तवे पर फैला देना है, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है। अब जो हमने बेसन घोला है ना, उसको हमने इस पर डालना है। तो इसको मैं एक बड़ी स्पैचुला ले ली है, इसकी हेल्प से डाल रही हूँ। चाहे तो आप कोई कप वगैरह भी ले सकते हो। तो बेसन जो है एक बार उसको मिक्स कर लेना। बेसन जो है बहुत पतला होना चाहिए, देखिए आप। इसको अब हम डालेंगे तवे पर, तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और तब हम धीरे धीरे से डालेंगे। देखिए आप, जहाँ जहाँ गैप रह गए ना, होल्स आ रहे हैं, सारे हमने फिल करने हैं, भरने हैं। तो बिल्कुल भी गैप वगैरह नहीं छोड़ना है, और इस तरह का ये हो जाएगा। अब गैस को सिमी रखेंगे और इसके ऊपर डालेंगे अब चावल। ये जो चावल की हमने रोटी बनाई है ना, उसको हम इसके ऊपर इस तरह से डालेंगे। बड़े आराम से आ जाती है, देखिए खिसक कर बड़े आराम से इसके ऊपर आ गई है। अब इस पर डालेंगे कुछ वेजिटेबल। तो ये मैंने शिमला मिर्च और गाजर को छोटा छोटा सा चॉप करके लिया है, तो इनको मैं डाल रही हूँ बस कॉर्नर कॉर्नर पे, चावल के ऊपर नहीं डाल रही हूँ मैं। तो सब्जियाँ देखिए, आप अपनी पसंद से कोई और भी ले सकते हो जो आपके पास हो घर पर। जैसे आप चाहो मशरूम भी ले सकते हो, फूल गोभी भी ले सकते हो, जो आप डालना चाहो, प्याज डालना चाहो प्याज भी डाल सकते हो। तो देखिए, जितनी सब्जियाँ मैंने इसमें अच्छी लग रही थी मुझे, मैंने डाली हैं। अब इनको ना हल्का हल्का स्पैचुला से दबा देंगे, कि बेसन तो अभी गीला ही है, इस पर अच्छी तरह से ये सेट हो जाएंगी। ऊपर से थोड़े से मैं डाल रही हूँ अनियन सीड्स, जिसको कलौंजी भी कहते हैं ना, थोड़ी सी डालती है। थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाल रही हूँ, जिससे और अच्छा लगेगा देखने में। अब इसको हमने मीडियम और लो मीडियम फ्लेम पर पकने देना है। 4-5 मिनट आराम से लग जाएंगे इसको, फिर उसके बाद इसको पलटना है। अब ये देखिए, मैं साइड से चेक कर रही हूँ तो नीचे से पक चुका है, तो इसको अब हम पलट लेंगे। तो देखिए, इसे मैंने पलटा है, बहुत ही आसानी से हो गया, क्योंकि पक गया था। अगर ये कच्चा होगा हल्का भी, तो ये पलटने में टूट सकता है। तो अब साइड से मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ, ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं डाला गया है। तो इसमें ऑयल साइड से 1.5 चम्मच तक बस डालना है।
इसको हम इस साइड से भी पकने देंगे 2-3 मिनट तक। और अब ये देखिए हो गया, तो इसे मैं निकाल रही हूँ एक प्लेट के ऊपर। डायरेक्ट आप उस प्लेट पर भी निकाल सकते हो जिसमें आपने सर्व करना है। ये देखिए मैंने निकाल लिया इसे। अब मैं आपको ये कट करके दिखा रही हूँ, आप इसे किसी भी तरह से कट कर सकते हो। मैं एक पीस इसका कट करके आपको दिखा रही हूँ। देखिए आप, बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको आप हरी चटनी या सॉस किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। बच्चों को लंच में भी दे सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। तो देखा आपने, बचे हुए चावल से हमने कितना ही टेस्टी यम्मी सा नाश्ता तैयार कर लिया है। ये टिप जो है ये बहुत ही यूज़फुल है, रोज़ ही यूज़ हो जाएगी अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि ये मैं यूज़ कर रही हूँ मस्क मेलन से। मस्क मेलन यानी खरबूजा जो है आजकल सीज़न में है, अक्सर घर में आता है और हम लोग इसको काट कर यूज़ करते हैं, खाते हैं। पर इसके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, इनका हम यूज़ बहुत ही कम करते हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये मगज़ ही होते हैं, मार्केट से तो हम मगज़ लाते हैं, तो आजकल इसका यूज़ बहुत कम हो गया है। आजकल जो है इसको साफ़ करने का टाइम किसी के पास नहीं है। पहले क्या होता था, इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेते थे और इसके जो बीज हैं वो सभी खाते थे। पर आजकल किसी के पास टाइम नहीं है, ना ही बच्चे इसको खाना पसंद करते हैं, तो इसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, आप क्या कर सकते हो, आप इसको निकाल कर मिक्सी के जार में डालें। और इसके साथ डालें शुगर, जितनी आप पसंद करो, 2-3 चम्मच, जितना पीना पसंद करो डाल लो। आप इसके साथ ना थोड़ा सा कोई फ्लेवर भी डाल सकते हो, जैसे कि आप इसमें वनीला एसेंस डाल सकते हो या हरी इलायची का पाउडर डाल सकते हो, थोड़ा बहुत जो आप डालना चाहो। और साथ में अब डालना है मिल्क, एक छोटा गिलास ठंडा दूध लिया है उसको डाल रही हूँ मैं। अब इनको हमने पीसना है। अब ये देखें मस्क मेलन शेक बनकर तैयार हो गया है। इसको अब स्ट्रेन कर लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद ये बहुत ही रिच और बहुत ही हेल्दी सा बनकर तैयार हो गया है। इसको मैंने सर्व भी कर लिया है। ऊपर से आप इसे गार्निश कर सकते हो बच्चों की पसंद के अनुसार, टूटी फ्रूटी जो भी आपके पास रखा हो, कलर्ड जो जेम्स वगैरह होती है कुछ भी डालकर दे सकते हो। बहुत ही टेस्टी सा ये बन जाता है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? इन दोनों में से आपको कौन सी वाली रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी है आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।